हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मैं हूं मनहर। मेरा नाम है शुभम। और हम आपको बता दें कि हम जर्मनी में 3 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और इस चैनल के थ्रू हम शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस एज अ फॉरेनर इन जर्मनी। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जर्मनी आने से पहले आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी पैकिंग करते हुए क्या पैक करें और क्या ना पैक करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से कि आपको किचन का कौन सा सामान लाना है, कौन सा नहीं लाना। और बिलीव कीजिएगा, ये हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो होपफुली आपको हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेके आनी है वो है एक प्रेशर कुकर, फॉर श्योर। क्योंकि अगर आपको छोले, दालें, ये सब खाना पसंद है, इंडियन खाना पसंद है, और डेफिनेटली आप मिस करोगे ये खाना जब आप एक बार आप जर्मनी में आ जाओगे, तो उस खाने को बनाने के लिए आपको कुकर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कुकर्स इजीली अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ मिलते हैं कुकर्स, लेकिन एक्सपेंसिव मिलते हैं। आप जब आओगे तो आपको अमेज़ॉन वगैरह से या तो ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर इंडियन स्टोर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वहाँ है या नहीं, जो कि वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू रहता है कि अभी ख़त्म हो रखे हैं, अभी आएंगे इंडिया से। तो आप ज़रूर लेके आएँ, वो एक ऐसे इक्विपमेंट होगा जो कि सबसे पहले आते के साथ ही आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ले आए। तो और इंडिया से अगर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कुकर, तो इंडिया के कंपैरेटिवली उनका कुछ 3 times 4 times प्राइस होगा, जो बहुत ज़्यादा है। तो किफ़ायती यही रहेगा कि आप अपनी जितनी आपकी नीड है उस क्वांटिटी का कुकर साथ में लेते आएँ। 2 liter, 3 liter, 4 liter, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात अब बताते हैं क्या नहीं लेके आना है। तो जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं ना हमारे, वो कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है तो सब ले जाए। जैसे कि मैं दालें लेके आई थी जब जर्मनी आ रही थी, मेरे मम्मा पापा ने मुझे दालें भेजी थी। तो आपको दालें जैसी चीज़, आपको नमक, चीनी, छोले, ये सारा जो सूखा सामान है जो आप बनाते हो, ये नहीं लेके आना है। क्योंकि ये बहुत बहुत इजीली अवेलेबल होता है हर एक ग्रॉसरी शॉपिंग मार्केट में जो यहाँ पे है, जैसे कि रेवे, एलडी, लीडल, एडेका या फिर इंडियन स्टोर्स। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा। शुरू में आपको बहुत इजीली अवेलेबल होगा, ढूंढो, सब मिल जाएगा। हम आपको ये नाम भी बताने वाले हैं कि इन चीज़ों के क्या नाम होते हैं। इधर या इधर मैं जरूर ड्रॉप करूंगा नेम्स जर्मन में, पर ये आपको मिल जाएगा। तो मत लाइएगा, अपना वेट थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए रखिए, जैसे कि घी। जैसे कि घी, अगर आपके घी, अगर आप घी के शौकीन हैं हम जैसे, हम दोनों को घी बहुत पसंद है, और किस इंडियन को पसंद नहीं होता, राइट? तो घर से बना हुआ घी या इंडिया का घी ज़रूर लेते आइए, 2-3 kilo अगर आप ला सकते हो तो। क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी क्वालिटी, मेरे को लगता है क्या पता बेटर ही मिल जाए, पर लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव होगा कि इंडिया के मुकाबले मुझे लगता है 5 to 6 times भी उसका प्राइस हो सकता है इजीली। तो अगर आप ले आ ही रहे हैं तो उसको एक क्वांटिटी में अच्छे से लेके आ सकते हैं। थोड़े से और यूटेंसिल्स आप इंडिया से लेके आ सकते हो अपने लिए, जैसे कि एक बेलन। तो यहाँ पे चकला नहीं चाहिए रहेगा आपको, यहाँ पे इनकी जो स्लैब्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो एज अ चकला। पर आप एक रोलर पिन, एक बेलन ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ के जो रोलर पिन है ना, वो इतने अकॉर्डिंगली हमारे इंडियन स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो पिज्ज़ा बनाने के लिए होते हैं, पिज्ज़ा का डो बनाने के लिए होते हैं। तो आप वो ला सकते हो। आप एक तवा भी ला सकते हो यहाँ पे अपने इनिशियल डेज में, जो आपको चाहिए रहेगा ना, रोटी खानी है ना, तो उसके लिए आप एक तवा भी लेके आ सकते हो। आप क्या छोड़ सकते हो, आप अपने लिए जो प्लेट्स, कटोरियाँ, चम्मच, ग्लासेस, मग्स, ये सब छोड़ सकते हो। अगर आप सबसे पहले एक फर्निश्ड अपार्टमेंट में ही मूव करने वाले हो, ये चीज़ें वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं इन अपार्टमेंट्स में। बट अगर आप अनफर्निश्ड में जाने वाले हो, तो ऑब्वियसली आप एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ आए हो, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो, आइकिया में बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी। इतना वेट इंडिया से उठा के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप और क्या लेके आ सकते हो, आप अगर चाय के शौकीन हो, जैसे मुझे पता है 60% ऑफ इंडियंस शौकीन हैं, ये नहीं है, ये अलग बात है, मैं हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। और आते से ही आप, ऐसा तो नहीं है कि आप इंडियन स्टोर जाके चाय लेके आ सकते हो, चाय पत्ती लेके आ सकते हो। तो अपना एटलीस्ट 1 or 1.5 months का एटलीस्ट ये चाय का काम सॉर्ट करके आइए, चाय पत्ती ज़रूर लेके आइए, क्योंकि उस टाइम पे आप बिज़ी होगे अपने ब्यूरोक्रेसी में, अपना वर्क परमिट, एनुअल डूम, क्या क्या नहीं, और जॉब के साथ साथ ये मुश्किल होता है इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इंडियन स्टोर्स को एक्सप्लोर करना। तो बेटर है कि आप चाय पत्ती भी साथ में लेके आओ। और क्या लेके आना बनता है, जैसे कि सूखा नाश्ता या रेडी टू ईट नाश्ता, जैसे कि मैगी। अगर आप मैगी के शौकीन हो तो मैगी भी ज़रूर लेते आइएगा, क्योंकि आप डेफिनेटली जब आप होमसिक फील करोगे,
यहाँ आके थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है कि स्ट्रगल है लाइफ में, थोड़ा सा देखना, कामों को करना, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू गुजरना, जर्मन में चीज़ों को मतलब चीज़ों को आसपास जर्मन लैंग्वेज में देख के आपको फील होता है कि यार सब इजी नहीं है। तो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा होमसिक फील करोगे, आपको वो वार्म्थ मिस लगेगी। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं आपको जर्मन स्टोर्स या फिर इंडियन स्टोर्स में नहीं मिलती हैं, जैसे मैगी फॉर एग्जांपल इंडियन स्टोर्स में मिल जाता है बहुत आसानी से, पर लेकिन वो आपके किस एरिया में है जर्मनी में, वहाँ पे कहाँ पे है अच्छा इंडियन स्टोर जो कि सब चीज़ें रखता है, और आप वहाँ पे कैसे जा पाते हैं नहीं जा पाते, तो उसके लिए बेटर होगा कि आप लेके ही आ जाएं जब इंडिया से आ ही रहे हैं। तो जैसे कि मैगी हो गई अगर आपको पसंद है, मटरी हो गई अगर आपको, कुछ नमकीन वगैरह सूखे नाश्ते पसंद है तो वो आप लेते आइएगा अपने मम्मी साथ। के हाथ के बने बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, पिन्निया ये सब के लिए जरूर जगह बनाए, बाकी सब मिल ही जाता है। हाँ। अब बात करते हैं कपड़ों की। जैसे कि पता है आपको कि जर्मनी एक बहुत ही ठंडी कंट्री है, बहुत ही ठंड होती है यहाँ पे। तो अगर आप विंटर्स के दौरान यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो या आपका स्टे विंटर्स तक जाने वाला है, तो फॉर श्योर आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वार्मर्स, जो इनर आप वार्म क्लोथ्स पहनते हो वो ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आते से ही ज़रूरत लगेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप ख़रीद सकते हो बट वो महंगे होंगे, तो बेटर है आप अपनी इंडियन क्वालिटी का यहाँ पे लेके आए। दूसरी चीज़ है मफलर्स, जो गले में आपको एकदम से ठंड लग जाती है यहाँ पे, तो गले को कवर करने के लिए आपके पास मफलर होना चाहिए। यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो ऑलमोस्ट देहरादून मसूरी वाली हवाएं चलती हैं, जो कि एकदम बोन तक जाती हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप ये सब लेके आ जाएं अपने लिए सामान। नेक्स्ट बनता है एक गर्म हैवी जैकेट। तो इंडिया में जर्मनी की ठंड के अकॉर्डिंग जैकेट्स नहीं मिलती, ठीक है? आप जितनी मर्जी मोटी जैकेट वहाँ से लेके आओ यहाँ पे काम नहीं करेंगी, तो प्रेफरेबली आप इंडिया से अपनी एक आधी हल्की फुल्की जैकेट लेके आइए। और जब आप यहाँ पे आते हो यहाँ आके आपके पास बहुत ही बड़ी रेंज, बहुत वाइड वैरायटी होगी अपने पसंद से जैकेट खरीदने की, और प्राइस में भी एक्चुअली उतना डिफरेंस होता नहीं है। उतनी मोटी जैकेट्स अगर इंडिया में देखें तो मिल भी सकती हैं, ज़रूर मिल सकती हैं, पर लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मैं खुद लेके आया था, यहाँ पे भी सेम प्राइस में मिल रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इंडिया से क्यों इतना बड़ा वेट और इतनी सारी जगह वेस्ट करके लेके आया हूँ, यहीं खरीद लेता उससे अच्छा। तो आपको मफलर वार्मर्स इंडिया से लेके आने हैं और प्रेफरेबली आप जैकेट यहीं पे आके खरीदेगा। तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अपने सर्दियों के शूज़ का। डिकैथलॉन में एक शूज़ मिलते हैं जो अंदर से फ्लीस होती है, वो आपको स्नो के लिए भी चलते हैं और सर्दियों के इतने कम टेम्परेचर में आपको पैरों को गर्म भी रखते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर लेते आइएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी एप्लीकेबल है, कि अगर आप यहाँ आते हुए अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर्स का, फेवरेट फेस वॉशेस की अगर 2-3 पैकिंग लेते आओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर ढूंढने जाओगे सबसे पहले तो 100 ब्रांड्स पड़े होंगे और उसके बाद इतने कॉस्टली होंगे, आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा तो मेरा इंडिया वाला प्रोडक्ट था। तो वही जो भी आपका 2-3 महीने का जो पीरियड है अगर आपके इंडिया से लाए हुए प्रोडक्ट्स के साथ चल जाएगा बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कॉस्मेटिक्स के बारे में हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉस्मेटिक्स लेने हैं यहाँ पे आने के बाद, कौन से नहीं, कौन से आप लेके आ सकते हैं इंडिया से। तो नेक्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आएँ, फ़ोन, लैपटॉप, सब कुछ लेके आएँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि आते के साथ इतना सब खर्चा हो, ठीक है? तो आप इंडिया से ज़रूर लेके आएँ, और मेरे को पर्सनली लगता है कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता है जर्मनी से ओवरऑल। फ़ोन्स वगैरह सब इधर दुबई या फिर US में सस्ते हो सकते हैं, पर जर्मनी में नहीं है। तो आप ये सब ज़रूर लेके आएँ, पर लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए एक या दो या तीन यूनिवर्सल अडेप्टर ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर अडेप्टर्स डिफरेंट होते हैं जिनसे चार्जिंग होती है सब चीज़ों की। तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है मेडिसिन्स। तो जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो मेडिसिन्स खूब लेके आएँ अच्छे से, जैसे कि आपकी रोज़मर्रा की होगी पुदीन हरा, आपकी एंटीबायोटिक्स होगी तो वो तो ज़रूर लेके आएँ, बुखार की दवाइयाँ, पैरासीटामोल वगैरह लेके आएँ, रुई, बैंडेड्स, पट्टी, ये सब ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पे मिल जाती हैं पर लेकिन कम मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आइबुप्रोफेन खरीद सकते हैं फॉर फीवर, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नहीं मिलेंगी, एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी यहाँ पर, डॉक्टर्स तक नहीं एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते ही नहीं हैं, तो वो सब भी आप ज़रूर लेके आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं तो वो तो आप ज़रूर रख के ही आएंगे, ऑब्वियसली लेके ही आएंगे, पर प्रेस्क्रिप्शन ना भूलें,
प्रेस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट जरूर रख के लेके आए। यहाँ पे कहीं पे भी चेकिंग अगर हुई तो एयरपोर्ट से आते जाते कहीं भी किसी ने पूछा तो आपको वो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट जरूर दिखाना पड़ सकता है कि आपके बैग में है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चश्मे से रिलेटेड। हम तो दोनों नहीं पहनते हैं पर लेकिन कोई लोग पहनते होंगे, तो मेरे को यहाँ पे मेरे दोस्तों ने बताया कि उनको कितनी मुश्किल हुई है अगर वो चश्मा टूट जाए तो आप ज़रूर अपने चश्मे के एक्स्ट्रा एक या दो पीसेस ज़रूर लेके आए इंडिया से। यहाँ पे आने के बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है जिन लोगों के पास चश्मा होता है और वो एक ही सिंगल पीस टूट जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप वो चश्मा ऐसे ही नहीं जाके बनवा पाओगे। आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, प्रॉपरली अपनी आइज़ का चेकअप कराना होगा, वो आपको लिख के देगा, सब कुछ प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आप चश्मा बनाओगे। और पूरे ओवरऑल प्रोसेस में इंडियन रुपये में मैं आपको बताऊँ तो 1,00,000 रुपये भी लग सकते हैं सिंगल पीस चश्मे के लिए, ठीक है। तो आप अपने एक्स्ट्रा एक या दो पीस ज़रूर लेके आएँ जो कि आप घर में रख दें उसको, भूल जाएँ और फिर आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। और क्या लेके आना है आपको यहाँ पर फॉर श्योर, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके आने हैं, अपने ग्रेजुएशन, अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स, अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अगर आप शादीशुदा हो मैरिज सर्टिफिकेट्स और जितने भी तरह के आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूर ज़रूर कैरी करें इनको विद पासपोर्ट। पर फोटोकॉपीज की इतनी ज़रूरत नहीं है, कई लोग बोलते हैं सजेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर फोटोकॉपीज लेके आओ। यहाँ पे फोटोकॉपीज की दुकानें वगैरह मिलना मुश्किल तो है नो डाउट, पर लेकिन यहाँ पे आज तक मेरे को कभी किसी को फोटोकॉपी देनी नहीं पड़ी है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में मैंने अपने ओरिजिनली दिखाए हैं जो उनको चाहिए होते हैं और वो अपने आप ही अपनी फोटोकॉपी बना लेते हैं, मैंने कभी फोटोकॉपी नहीं दी, तो ना ही लेके आए, वो पेपर वेस्ट ही है, ठीक है। और एक और चीज़ जो बतानी रह गई वो है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़रूर लेके आएँ अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं यहाँ पे। आपको बता दें कि आने के बाद आप 6 महीने तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस, जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप गाड़ियाँ चला सकते हैं इधर, तो अपना वाला मत भूले, इंडिया वाला, उसी के बेसिस पे चला पाएंगे। तो एक और सेक्शन बनता है मोबाइल के बारे में, सिम कार्ड का आप क्या करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना इंडियन सिम था उसमें इंटरनेशनल कोई प्लान डलवा के आएँ, ठीक है, जिससे कि आप यहाँ पे आने के बाद भी OTPs वगैरह रिसीव कर सकें अगर आपको इंडिया में कुछ भी ऑपरेट करना है, जो कि एकदम इंडिया से आने के बाद आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। मेरे साथ तो बहुत भारी हुआ था पर लेकिन वो OTPs मैं तो भूल गया था, तो OTPs आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो आपको इंटरनेशनल प्लान ज़रूर डलवा के लेके आएँ। यहाँ पे OTPs में काम होता ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा एक ऐप होती है जिसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करनी होती है। यहाँ पे आने के बाद सिम कार्ड्स तो आप ज़रूर खरीद ही सकते हैं, कौन से बता देता हूँ आपको, या लाइका लिबारा आने के बाद मत खरीदें, लिबारा इस समय बहुत ही ज़्यादा एज अ ब्रांड ख़राब हो गया है और लाइका के प्लान्स वगैरह मिलना इतने मुश्किल और इतने एक्सपेंसिव हैं, नेटवर्क भी ढंग से नहीं आता है। पर लेकिन ये कॉमन ब्रांड्स हैं जो हर कोई सजेस्ट करता है, तो ये तो ना ही खरीदें, ठीक है। पर आप कुछ ब्रांड्स खरीद सकते हैं जैसे कि मेरे पास इस समय है विनसिम, ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे थोड़े से अंडरडॉग से हैं कि इनको पता नहीं होता इनके बारे में, पर लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा है और इनके प्लान्स भी ऑलमोस्ट जियो जैसे हैं, जैसे कि इंडिया में मिलते हैं कि आप 7 यूरोस का मैं मंथली रिचार्ज कराता हूँ और उसमें मैं अनलिमिटेड कॉलिंग करता हूँ कहीं पर भी और मेरे को 3 to 4 GB का नेट भी मिलता है और आप मेरा जो ये नेटवर्क है इसमें मैं EU में कहीं पे भी ट्रैवल करूं किसी भी यूरोपियन कंट्री में तो रोमिंग के चार्जेस भी नहीं होते हैं, नेट भी चलता है और कॉल्स भी होती हैं। तो आप ऐसे नेटवर्क ऑपरेटर्स के सिम कार्ड खरीदें। तो और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आने से पहले, आप ज़रूर एक फॉरेक्स कार्ड लेते आएँ, आप अपने इंडियन बैंक प्रोवाइडर से बात करें कि वो फॉरेक्स या ट्रैवल कार्ड प्रोवाइड करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो ज़रूर लेते आएँ ये कार्ड जिसमें आप इनिशियली थोड़े से यूरोस लोड करके लाएं और साथ ही में कैश भी कैरी करें क्योंकि जर्मनी अभी भी कैश इकोनॉमी है, कैशलेस इकोनॉमी नहीं है, हर जगह आपको कैश देने की ज़रूरत पड़ सकती है। वी वर वेरी सरप्राइज जब हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते थे और बोलते थे कि कैश ओनली नो कार्ड, अभी भी ऐसा होता है। तो फिर भी थोड़ी सी सिचुएशन इम्प्रूव कर गई है पर लेकिन आप सरप्राइज ही होंगे कि यहाँ पे ये इंडिया से कितना पीछे है कैशलेस पेमेंट्स में। तो मैं मेरे हिसाब से तो आप जितना कैश लेके आना चाहें उतना लेके आए, कम पड़ेगा। और अपना डिजिटल पेमेंट्स के लिए टिकट्स बुक कराने के लिए आपको कार्ड लगेगा पर लेकिन आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा। उसका रीज़न है कि बैंक अकाउंट खुलने का प्रोसेस भी यहाँ पे इजी नहीं है। जब आप आते हैं तो आजकल जो करंट रेगुलेशन है वो तो ये है कि अब वो आपका परमानेंट वीज़ा मांगते हैं, एंट्री वीज़ा जो 6 मंथ्स के लिए मिलता है उसके बेसिस पे वो बैंक अकाउंट भी नहीं खोल रहे हैं आजकल, पहले खोल देते थे, हमारा खुला था उसी पे, पर लेकिन आजकल आपको परमानेंट वीज़ा लगेगा। तो तब तक आपके पास कार्ड ही नहीं होगा तो आप डिजिटल पेमेंट्स वगैरह कैसे करेंगे। तो आप ज़रूर एक ट्रैवल कार्ड, फॉरेक्स कार्ड अपनी बैंक का, इंडियन बैंक का लेके आएँ
तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप उससे कैश भी विड्रॉ कर पाएंगे विदाउट एनी चार्जेस, जो कि एक अलग सरप्राइजिंग पॉइंट है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट्स जो जर्मन बैंक अकाउंट्स हैं, आप यहाँ पे ओवरऑल सभी एटीएम्स से पैसा नहीं निकाल सकते फ्री में, बहुत अच्छी फीस लग जाती है। मैं आपको बताऊँ तो 5-6 यूरोस की भी फीस लगती है फॉर वन ट्रांजैक्शन, जो कि अमाउंट करती है इंडियन रुपी में सीधा 400-500 रुपीज। तो ये थोड़े इश्यूज हैं यहाँ पे बैंकिंग में। आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो भी पॉइंट्स आपको बोले हैं आपको हेल्प करेंगे जर्मनी आने से पहले पैकिंग करने में। तो या आपको कोई और क्वेश्चंस हैं पैकिंग के रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन आप हैं तो हमारे कमेंट्स में डालिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। मैं एंड करना चाहती हूँ अगैन एक पॉजिटिव मंत्रा से कि मुश्किलें तो लाइफ में आती रहेंगी, पर बिना हताश हुए आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।